हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्लास 11 सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, मतलब किस पैटर्न में आप लोग का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सो आप लोग अभी से जान लेंगे तो आपको तैयारी करने में इजी हो कि किस मार्क्स से, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा चैप्टर है, टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जैसे कि आप लोगों को पता है, साहित्य, काव्य और गद्य। ठीक है, यानी कि कहानियां और कविताएं। उपन्यास है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं उपन्यास है। उसके बाद रचना में आप लोग का क्या क्या है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और क्या है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। अब इसको हम लोग देख लेते थे कौन से कौन कितने मार्क्स से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साहित्य, काव्य और गद्य। ये आप लोग का जो है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी टाइप वन में आएगा 2 मार्क्स के, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे 2 2 2 मार्क्स के, इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप टू जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके 5 मार्क्स के रहेंगे, तो वो कितने रहेंगे, तो 2 × 5, यानी कि 2 आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे साहित्य, काव्य और गद्य। ठीक है, तो टोटल आपका 24। उसके बाद उपन्यास से देखते हैं, तो उपन्यास में आप लोग का जो है 2 मार्क्स का नहीं आने वाला है, ओनली क्या आने वाला है 3 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद 1 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स, टोटल आपका 12 मार्क्स, सॉरी 11 मार्क्स के आपके रहेंगे उपन्यास। ठीक है, उसके बाद है रचना। रचना में जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन एंड क्या है उसके साथ, और उसके साथ है अंग्रेजी से हिंदी, वो आपका टोटल कितना रहेगा, ये 2 मार्क्स का भी नहीं रहेगा, 3 मार्क्स का भी नहीं रहेगा, ओनली 5 मार्क्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, 5 मार्क्स आपको गिफ्टेड मिल जाएगा, इसलिए इस पे अच्छे से फोकस भी करिए, और साथ ही साथ ये अपने 24 मार्क्स यानी साहित्य, काव्य और गद्य पर अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, सो आप लोग इसी पैटर्न को ध्यान में रख के अपनी तैयारी शुरू करिए, और अभी भी स्टार्ट नहीं है तो फटाफट से रेडी हो जाइए। सो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना, फिर मिलते हैं। ओके बाय।